लगता है आज भी बहुत गर्मी रहेगी। सिर्फ नेकटाई बांधने से ही पसीना आना शुरू हो गया मुझे। अरे लेकिन आपके ऑफिस में तो एसी है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे हम घर में एसी तब चलाते हैं जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज भी गर्मी बहुत ज्यादा है मिच्ची, इसका मतलब जैसे ही मैं घर से निकलूंगा तुम फौरन एसी ऑन कर लोगी ना? क्या कह रहे हो, बिजली का बिल कम आए इसलिए हम एसी बहुत कम चलाते हैं। मुझे पता है पहले इतने खर्चे हैं, अब एसी चलाने से खर्चा और बढ़ जाएगा। तुम लोग और जगह पर इतने ज्यादा खर्च करते हो के इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मिच्ची। हैरी कितनी आसानी से आपने कह दिया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको क्या पता है कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि खर्चा ना बढ़े, आपको तो जरा भी कदर नहीं है। लीजिए इसमें भी मेरी ही गलती है। ओह इतनी गर्मी है। बहुत गर्मी है। ये क्या ठंडी हवा, एसी ऑन है क्या? अच्छा मोसाई, तो तुमने ये एसी चलाया है? हाँ मैंने ही चलाया है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। दीदी बहुत गर्मी है। क्या कहा बहुत गर्मी है? लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, तुम्हारी तरह सारा दिन घर पर सोते नहीं रहते। इतनी जल्दी कौन उठता है? जल्दी नहीं है, 8:30 बज चुके हैं। जल्दी से उठो और काम में मेरा हाथ बटाओ, बहुत सारे काम है घर में। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उठती हूँ। तुम नहीं मानोगी ना, चलो इसे मुझे दो। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, मुझे छुट्टियों में तो सोने दीजिए। तुम्हारी छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, इतनी देर तक सोने की कोई जरूरत नहीं। मुसाई तुम इतनी आसानी से मुझसे जीत नहीं सकती। पर मैं कोई काम नहीं करूंगी दीदी। क्या कहा तुमने? काफी गर्मी है। अरे ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ठंडा? ये तुम क्या कर रहे हो? ठंडा पानी पी रहा हूँ। फ्रिज को खोल कर रखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पानी ही पीना है तो कब से पियो। मसाई बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से उठ जाओ। आपके शोर की वजह से मैं सो ही कहाँ पाई हूँ। तुम्हें पानी इस तरह से नहीं पीना चाहिए। बॉटल से इस तरह पानी पीने का मजा ही कुछ और है। मैं तो तुम दोनों से काफी परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं कब सुधरोगे। देखो ये सिर्फ मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमारे पूरे घर की प्रॉब्लम है। हम सबको मिलकर काम करना होगा, हम सबको मिलकर सोचना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हल निकल आएगा। वैसे दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? माम साफ साफ शब्दों में कहिए ना कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि बिजली का बिल भी ज्यादा ना आए और हम आराम से रह सकें। आपको क्या लगता है ऐसा मुमकिन है? मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है, पर हाँ शायद दीदी की वजह से हमें इस गर्मी में ही रहना पड़ेगा। मुझे तो लगता है दिन भर इस गर्मी को झेलना पड़ेगा और रात में भी जागना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन, तुम्हें गर्मियों में आइसक्रीम पसंद है ना? और मुसाई अगर तुम्हें ठंडा जूस नहीं मिले तो तुम्हें गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती ना? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज से जैसा मैं कह रही हूँ तुम लोग वैसा ही करोगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे तुम लोग? ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मुझे ये वाला चाहिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए ही मावारी। मुसाई ये तुम्हारे लिए। हाथ वाला पंखा, अब समझ में आया दीदी का प्लान क्या है। एसी और फैन इस्तेमाल करने से अच्छा है कि हम अपने हाथों से पंखा करें, एक्सरसाइज भी हो जाती है। एक्सरसाइज के बारे में सोचकर ही मुझे गर्मी लग रही है। पंखा करते करते ही मुझे पसीना आ गया। तुम लोग मेरी बात समझ गए या नहीं? आखिर ये मुझे मिल ही गया, है ना बढ़िया चीज। देखना इसको लगाने के बाद गर्म हवा अंदर नहीं आएगी। इससे तो बिल्कुल ही हवा रुक जाएगी, यहाँ तक कि ये बेल भी नहीं हिल रही। कितना अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं। मॉम थोड़ी देर इसी चलाने दीजिए ना। कितनी गर्मी है। ये क्या कर रहे हो? हम सो रहे हैं। घर में सोने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं है। है? ये अच्छी जगह है? हाँ अच्छी जगह है, कम से कम यहाँ हवा तो आ रही है। हाँ अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा गर्मी में तुम दोनों बेहोश हो गए हो, मैं तो बहुत डर गई थी। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ यहाँ पर आकर लेट सकती हैं। मुझे नहीं लेटना, तुम दोनों ही लेटो। ये कोई जगह है लेटने की? अगर कोई गेस्ट आ गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में, तुम लोगों ने सोचा?
अगर कोई गेस्ट आ गया तो क्या सोचेगा, हम एसी भी नहीं चला सकते। माम माम परेशान मत कीजिए, सोने दीजिए ना। इस वक्त सोना कोई जरूरी नहीं है, तुम दोनों बाहर भी जा सकते हो, लाइब्रेरी भी जा सकते हो। पर अभी हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें बस सोने दीजिए। प्लीज सोने दीजिए ना। मैंने बोला ना शिनचैन, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। आइडिया, चलो मेरे साथ चलो। ठीक है, समझ गए ना, तुम लोगों को घर के बाहर पानी छिड़कना है, लेकिन ये काम ठीक से करना। इतनी गर्मी में ये काम। देखा तुमने शिनचैन, सड़क भी कितनी ज्यादा गर्म हो रही है। ये भी ना। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना, तुमने एक ही बार में छिड़क दिया। बेचारी मिसाई मौसी, वो तो बस पानी ही डाल रही थी। कितनी गर्मी है। ठीक है, ऐसे ही करती हूँ। टडा, इसमें बस बर्फ डाल लिया, बर्फ का गोला तैयार हो जाएगा। बर्फ का गोला। हाँ, बर्फ कहाँ गई? ठंडा ठंडा। ये देखिए मेरा आइस कॉस्ट्यूम, गर्मी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका। ये सारी बर्फ मुझे चाहिए, मुझे बर्फ का गोला खाना है। ये तो सब गिर गई। अरे ये क्या हो गया? ठंडा ठंडा पानी, मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। आ गया। क्या कहा, बिजली का बिल कम आए इसलिए तुमने एसी नहीं चलाया? बिल्कुल सही, हम लोग रात में भी एसी नहीं चलाएंगे ताकि बिजली का बिल कम आए। लगता है ये सुबह की बात से अभी भी नाराज है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज, आज गर्मी में बार बार मुझे क्लाइंट से मिलने बाहर जाना पड़ा। मैं नहा कर फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद जूस के साथ थोड़े बहुत स्नैक्स लेंगे हम सब लोग मिलकर, और उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए बैठेंगे हम लोग एसी की ठंडी हवा में। मिस्सी प्लीज, हमारे लिए ना सही, शिनचैन के लिए चला दीजिए प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए। मेरे लिए नहीं तो कम से कम हिमावारी के लिए ही चला दीजिए ना प्लीज, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं थोड़ी देर के लिए एसी चला ही देती हूँ। ये ठंडी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा। आपको पता है भैया, सुबह से अब हम सबको एसी की ठंडी हवा खाने को मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। शुक्रिया डैड, आपने हम सबको इस गर्मी से बचा लिया। सही कहा शिनचैन ने, मजा ही आ गया।